प्राधिकरण मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कोलितो थोड़े पंजाबी दी लेक्चर स्वागत करते हैं जी थोड़ा साडी आज दी इस पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास दे विच आज असी इत्थे थोड़ी बीए सेकंड ईयर दी पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास लेके हाजिर होए हैं जी। बीए सेकंड ईयर दी पंजाबी दी साडी इस चल रही ऑनलाइन क्लास दे विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असी थोड़े किस्सा कार वारिस शाह की पहला जिहड़ा सी किस्सा हीर पढ़िया उस तो बाद असी जिहड़ा तुहाडा शुरू किया होया जी अगला राइटर नजावत जिस दी कि नादर शाह की वार जिहड़ी लिखी हुई है नादर शाह की जिहड़ी ए वार लिखी हुई है वो उसकी एक वारकार होण विच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जिहड़ी वार आ मनी गई है नजावत जो कि आप एक प्रसिद्ध जिहड़ा है वारकार मनिया गया है उसकी ये वार जिहड़ी वार काव्य दे विच एक बहुत ही नवेकला ते महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये जिहड़ी वार आ इस विच उसने जिहड़ा नादर शाह ईरानी जिसने कि भारत के उत्ते हमला किया उसके हमले का जिक्र नजावत ने बहुत ही सोहने ढंग अपनी इस वार दे विच जिहड़ा कीता आ। इस जिहड़ी वार नजावत ने लिखी आ इहदे विच जिहड़ा कवि है उसने इसका पछोकड़ दसन की जिहड़ी कोशिश की आ इसका पछोकड़ मुगल दरबार ते दरबारियां दी जिहड़ी आपसी फुट्टा उसनूं मन्निया गया आ ते हिंदू मिथिहास दे अनुसार जिहड़ियां लड़ाई पैदा करन वालियां शक्तियां कल ते नारद इन्हां दी आपसी जिहड़ी लड़ाई आ उसनूं भी इसदा जिहड़ा इक कारण है मन्निया गया आ। कहिंदे नादर शाह जिसने कि भारत उत्ते हमला करन नादर शाह जो कि भारत ते हमला करन लई चढ़दा है तां उसदा वख वख थावां ते वख वख कबीलियां दे सरदारां दे नाल उसदा सामना हुंदा है। करनाल दे मैदान दे विच करनाल दे मिलता मैदान उस विच दिल्ली दे मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ते ईरानी फौज दा बादशाह जिहड़ा है अपना नादर शाह उस दी फौज दे विचकार लहू वीटमी एक जड़ी लड़ाई होई आ इस दे विच बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा नुकसान भी होया। कहिंदे ये जड़ी लड़ाई हुई आ इस दे विच दोनों ही धिरां जिहड़ियां आमो सामने डट जांदियां हन ते कहिंदे जदों नगारियां दे उत्ते चोटां वजदियां हन तां दोनों ही धिरां आमो सामने इस लड़ाई दे मैदान विच आ जांदियां हन। दोनों ही धिरां दे विचों भारियां भारियां तोपां गड्डियां दे उत्ते लद के लियांदियां गईयां हन जिन्हां दे लखां ही संग जिहड़े आ उह खड़क रहे हन। तीरां दी जिहड़ी आवाज़ आ उसने अड्ड तों ही अपनी जिहड़ी कुकर आ उह बन्नी हुई है। इस जिहड़ी लड़ाई है इस लड़ाई दे विच हथियार बहुत ही वड्डा जिहड़ा जरवाणा मन्निया गया है जो कि जालम सूरमिया नूं मार मार के उन्हां दीआं जानां नाल मखौल जिहड़ा है कर रहा है। मनुख अते घोड़ियां दोनों का ही जिहड़ा इस लड़ाई दे मैदान विच जंग दे मैदान विच जिहड़ा खात्मा है हो रहा है। जिहड़े बंदे हन बहादुर सूरमे हन वह घोड़ियां समेत ही जिहड़ा खत्म हो रहे हन। सो इस तरह जिहड़ी लड़ाई का जिहड़ा दृश्य है उसनूं बहुत ही भयानक जिहड़ा रूप आ उह दित्ता गया है। इस लड़ाई दे जिहड़ा दृश्य नूं देख के दोनों ही जिहड़ियां फौजां हन उन्हां दे जिहड़े दिल आ उह धड़क रहे हन। फिर अगे जिहड़ा आपां पैरा कीता उहदे विच उन्हां ने दस्सिया सी कि जिहड़े जंबूरची आ उन्हां नूं हुक्म होया तां उन्हां ने अपने जिहड़े ऊंट आ उह जंग दे मैदान विच लिया के खड़े कर लए। इन्हां ऊंठां जदों ये ऊंट गोडियां भर ने हो के जंग के मैदान में जा के बहते हैं तो एक अजित पर्वत चोटी की शिला वाग दिखाई दे रहे हैं तो या फिर जे इस तरह दिखाई दे रहे हैं जिस तरह नमाजी जड़े हैं गोडियां उत्ते झुक के नमाज करने गोडियां उपर झुके हुए हो।
फिर कहते इस जड़ी लड़ाई का मैदान तोपा तीर ते बंदूकों की जी वरतों हो रही बंदूकों निकलिया हुई जड़िया गोलियां हैं जो सुरमिया के जाके वजदियां हैं तो उन्होंने जोड़ा लहू है वह परनालिया के वाग जो बहना शुरू हो जाता है। फिर तीर कमान जड़े हैं उन्होंने भी वरतों जी है तीर की वरतों भी इस लड़ाई के मैदान में होंगी है तो वह उन्होंने अपनी अलग तो ही जी कूकर बनी हुई है। फिर इस तरह जड़ियाँ तलवारा हैं जड़ियाँ तलवारा की वरतों भी इस मैदान में की गई है। तलवारा इस तरह लिशक रही हैं जिस तरह बदलों के बिजलियाँ लिशक रही हो। सो जी पिछली क्लास असी जरा मुगल फौज का जोड़ा सेनापति आ खान दौरा जोड़ा उसकी गल की कि खान दौरा जोड़ा है उस जोड़ा लड़ाई के मैदान में पहुँच चुका है तो उसने जोड़े अपने बहादुर सिपाही हैं उन्होंने वंगा लिया है तो उस इस लड़ाई जंग के मैदान में पहुँच चुका है तो उसका भरा जोड़ा मुजफ्फर खान भी अपने जोड़ा सिपाहियों के निकल के जोड़ा जंग के मैदान में आ पहुँचा है वह भी जंग के मैदान में लड़ाई लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह ही एक होर बहादुर सेनापति सरदार खान वह भी जोड़ा जंग के मैदान में पहुँच जाता है। तो दूसरे पास से ईरानी जोड़ा है ईरानी सुरमा कातिल कुली जोड़ा ईरानी फौज के बादशाह नादर शाह की फौज के कातिल कुली जोड़ा है वह भी इस लड़ाई के मैदान के पहुँच चुका उधर जोड़ा ईरानी फौज का जोड़ा सूबेदार है सूर बहादुर सुरमा है कातिल कुली जोड़ा वो भी जंग के मैदान के जोड़ा दूसरी फौज का सामना करने मुजफ्फर खान का सामना करने पहुँच जाता है। कातिल कुली जोड़ा कि जिसने कि अपने हाथ के एक बर्शी फड़ी हुई है बर्शी जो कि नागिन की तरह दिखाई दे रही है तो इसनों किसी खास विदेशी दुकान तो बनाया गया प्रतीत हुंदा है। ये बर्शी जड़ी है उसनों ओ मुजफ्फर खान दे नूं मारन दे लई जिहड़ा इस्तेमाल करता है। इस बर्शी दी जड़ी इस बर्शी दी जड़ी के बहुत ही खूबसूरती दे नाल जिहड़ा नजाबत है उसने इसका वर्णन किया है कि ये जड़ी बर्शी है कहते कातिल कुली संभाली बर्शी शार दी कातिल कुली संभाली बर्शी शार दी ओ कड़ी दुकान बलाई दी डेढ़ हजार दी ज्यों शाह काल नागिन काली डंग सवार दी कर जोर रकाबा दे मारी लगी ना कार दी सट बद्दी बर्शी तर गई फल लिशकार दी जिमें तारा टुटा अंबरों रात गुबार दी जिमें कुत्थी कूही कुलंग तो मीर शिकार दी। सो इस तरह जिहड़ा कातिल कुली है उसकी बर्शी जिहड़ी है वह खास दुकान तो कड़ी हुई है तो उसने जिहड़ी वह बर्शी है उसका वार जिहड़ा है मुजफ्फर खान ते कीता है पर वह वार जिहड़ा मुजफ्फर खान दे नहीं लगा तो जिहड़ी बर्शी है वह अपने वार तो खुंझ गई है। तो इस तरह लग रही है कि जिस तरह किसी शिकारी पंछी के हथों जिहड़ा शिकार आ खुंझ गया होवे। सो उस तो अगले पैरे दे विच जिहड़ा असीं अज दी क्लास विच लैके आए हैं असीं देखांगे कि जिहड़ा अगे इहनां दे विच जो लड़ाई हुई है उहदे विच मुजफ्फर खान जिहड़ा है उसका वार किस दे उत्ते चल रहा है। सो चलते हैं साड़ी अज दी क्लास दे विच इह असीं जिहड़ी पहलां पिछली एक जिहड़ी छोटी जी चाट मारी है तां कि जिहड़ा तुसीं पिछे वाला कीता होया भुल ना जाओ। सो अज दी क्लास दे विच अगे चलदे हां जी जिहड़ा कवि आ उह की कह रहा है कहिंदे मुजफ्फर घोड़ा छेड़िया रण शेर वृद्धा उस बर्शा पकड़ संभालिया तप गुस्से रिद्धा उस मारिया कातल खुली नू तक सीने सीधा पन हा कलेजा बखिया लै लुकमा थिद्धा मुर्गा जिमें कबाबियां चा सीखी विद्धा सिर फौज 50,000 का मुजफ्फर किता। हाँ जी पहला इतनी कर पा करेंगे कहते जो मुजफ्फर खान आ जोड़ा कातिल कुली आ उसने पहला अपनी बर्शी के नाल जो मुजफ्फर खान के उत्ते वार किया पर
मुजफ्फर खान जिहड़ा उसके बार तो बच चुकिया आ, तो फिर हुण जिहड़ा मुजफ्फर खान आ उसनू जिहड़ा कातिल कुली दे बार दा बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा, तो उसने जिहड़ा अपना घोड़ा है वह जंग के मैदान में छेड़ दिता है, भाव वह अपना घोड़ा जिहड़ा है वह जंग के मैदान में लैके पहुँच चुका है। उस शेर वांग जिहड़ा जंग के मैदान में आके गर्जना शुरू कर दिता है। फिर जिहड़ा मुजफ्फर खान है उसने अपना जिहड़ा वर्षा आ उसनू संभालिया है, तो गुस्से के नाल जिहड़ा उस वर्षे का जिहड़ा वार है वह कातिल कुली के उत्ते कीता है, अपना वर्षा संभालिया पूरा गुस्से विच गुस्सा खा के पूरा गुस्से विच रिंदा रिज के उसने जिहड़ा गुस्से विच आके ये वर्षा जिहड़ा है वह कातिल कुली नू मारिया है, तो वह जिहड़ा वर्षा है सीधा कातिल कुली के सीने विच जाके बजिया है, तो उसका जिहड़ा कलेजा भन के बखियां दे विचों दी हुंदा होया सीधा उसके सीने दे विच जाके बजदा है, तो उसके सीने दे विचों जाके बुरकी जिहड़ा है वह कढ लिया है, सीने विच जाके बजदा है तो सीधा सीने विचों बुरकी जिहड़ी आ वह कट के लिया है, तो ये इस जिहड़ा वर्षे के उत्ते टंगिया होया कातिल कुली ईरानी फौज का जिहड़ा सुरमा है कातिल कुली वर्षे के उत्ते टंगिया होया इस तरह प्रतीत हो रहा है जिस तरह कबाबियां ने जिहड़ा जिहड़ा कबाब बनाने लई मुर्गे नू जिहड़ा है सीखां दे उत्ते जिहड़ा बन्निया होया होवे सीखां दे उत्ते टंगिया होया होवे जिस तरह जिहड़े कबाबी आ उन्होंने मुर्गे नू कबाब बनाने लई सीखां दे उत्ते टंगिया होया होवे। फिर कहिंदे इस तरह कहिंदे सिर फौज पंजाह हज़ार दा मुजफ्फर किदा इस तरह जिहड़ा मुजफ्फर है उसने 50,000 फौज का जिहड़ा मतलब मुजफ्फर है वह सेनापति है 50,000 फौज का सूबेदार मुजफ्फर जिहड़ा है उसने जिहड़ा कातिल कुली नूं जिहड़ा मुका दिता है। मुजफ्फर जिहड़ा कि 50,000 फौज का सूबेदार है उसने कातिल कुली नूं जिहड़ा इस तरह खत्म कर दिता है। सो अगले पन्ने में चलेंगे जी, अगले आ गया शाह तवाचा आया रण मैदान विच, हुण कातिल कुली जिहड़ा है वह ईरानी फौज का जिहड़ा सूरमा सी वह कातिल कुली जिहड़ा खत्म हो चुका है, तो कातिल कुली तो बाद ईरानी फौज का जिहड़ा दूसरा अगला बहादुर सूरमा सिपाही जिहड़ा है वह आउंदा है, तो उसका नाम है जी शाह तवाचा। शाह तवाचा हुण जिहड़ा है जंग के मैदान के विच मुजफ्फर का जिहड़ा सामना करन दे लई आ चुका है, उस नेचा दस्त टिकाया किसे कीमत दा। फिर इस तरह जिहड़ा शाह तवाचा है वह अपना नेचा जिहड़ा है वह लैके आ चुका है, तो उसका नेचा भी बहुत कीमती जिहड़ा है कीमत बहुत कीमत दा है कीमती है, जे वह अपना नेचा उसने जिहड़ा है जंग के मैदान में वरतना शुरू कर दिता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो ये बहुत ज़्यादा धातों के नाल जिहड़ा है इसनों बहुत ज़्यादा धातों मिला के जिहड़ा एहरन उत्ते कुट कुट के जिहड़ा इसनों बहुत ज़्यादा धातों के विच मिला के एहरन उत्ते कुट कुट के इसनों जिहड़ा बनाया गया है। सो उसने ये कीमती जिहड़ियां धातों के नाल बनिया होया नेजा है उसनों लैके जंग के मैदान में जिहड़ा शाह तवाचा ईरानी फौज का जिहड़ा सुरमा है वह जंग के मैदान के पहुँच चुका है। कहिंदा उसका जिहड़ा नेजा है वह एहरन उत्ते कुट कुट के बनाया होया है, तो इस समय वह मिट्टी के जिहड़ा लिपटिया होया है मिट्टी के नाल लिबड़िया होया है, तो इनू जिहड़ा है घट कोले कौ घड़िया लंबा छुट्टियां। कहिंदा जदों इसनों धातों के मिला के बनाया गया तो उन कई धातों जिहड़ा मिला के इसनों एहरन उत्ते कुट के बनाया गया, तो जदों इसनों जिहड़े लकड़ के कोले कौ मतलब लकड़ के जिहड़े कोले आ लकड़ के कोलियां की अग जिहड़ी आ उस दे विच इसनों पाया गया तो इस दे विचों बहुत ही ज़्यादा लंबा जिहड़ियां सन अग दियां लंबा जिहड़ियां सन वह छुट्ट पईयां सन।
मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमती जड़ियां धातां दे नाल ए जड़ा है नेचर जड़ा है वो बनाया गया है, जिसकी वरतों जड़ी है शाह तबाचा जड़ा युद्ध दे मैदान दे विच कर रहा है। तो चलते हैं जी अगे अगे की कह रहा है कवि, ओनू चक्कर स्थान चढ़ाया वाटा दित्तियां। सो अगे चलते हैं जी, कहते जिहड़ा शाह तबाचा आ उसका जिहड़ा नेजा आ, नेजा जिहड़ा जंग दे मैदान विच शाह तबाचा नेजा लैके आया, उसनू जड़ा है कीमती धातां दा बनिया होया है, कीमती धातां नू आयरन ते कुट कुट के जिहड़ा इस जिहड़ा नेजा आ उसनू बनाया गया है। ते जदों इसनू जिहड़ा भट्ठी दे विच जिहड़ा ताया जांदा है, तां जिहड़ी इह आग कोलियां दी अग दे उत्ते जदों इसनू कीता जांदा है तां बहुत ज़्यादा जिहड़ियां लंबा आ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਢੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਘੜ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ਕਲ ਕਟਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਇਆ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਤਵਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਵਣ ਫਨੀਅਰ ਆਇਆ ਡੰਗ ਉਲਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰਗਸ਼ ਇਸਦੇ ਤਰਗਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤਰਗਸ਼ ਹੋਏ ਲਾਹਿਆ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨੂੰ ਤਰਗਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਤਰਗਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰੱਬ ਬਚਾਇਆ ਗੜੇ ਤੂਫਾਨ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਾਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੜੇ ਤੂਫਾਨ ਥੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੜੇ ਤੂਫਾਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਟਾਲ ਗਈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਕਾਤਿਲ ਕੁਲੀ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਿਲ ਕੁਲੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੇਜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੁਜ਼ਫਰ ਘੋੜਾ ਛੇੜਿਆ ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੂਵ ਮਿਆਨੋ ਕੱਢਿਆ ਮੁੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਵਾੜ ਵਾ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਉਸਤਾਦ ਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਅੜੇ ਨਾ ਜਰਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾ ਰਤ ਪੀਵਣ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਵਾਚੇ ਨੂੰ ਚੰਡਿਆ ਸਿਰ ਲੰਗੀ ਕਾਰੀ, ਉਸ ਜੁਦਾ ਕੀਤੀ ਵੱਡ ਖੋਪਰੀ ਸਣ ਮਗਜ ਉਤਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਟੁੱਟੀ ਖੀਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਟਕੀ ਪੰਨੀ ਗੁਜਰੀ ਚਾ ਦਹੀਂ ਖਲਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਸੌ ਪਈ ਗੁਬਾਰੀ, ਪਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਉਮਰਾ ਹਫਤ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਥੂਕ ਕੇ ਮਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਵਾਢੀ ਵਾਹ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਨਾ ਜਰਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾ ਰਤ ਪੀਵਣ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਤ ਪੀਵਣ ਵਾਲੀ ਲਹੂ ਪੀਵਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਅੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚੇ ਨੂੰ ਚੰਡਿਆ ਸਿਰ ਲੱਗੀ ਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜੇ ਮਗਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਟਕੀ ਆ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਆ ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਉਮਰਾ ਹਫਤ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7000 ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ 7000 ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਤਬਾਚਾ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਤਿਲ ਕੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
शाक वाचा खत्म कर दिता है। सो इस तरह जरा अगी जी अज की क्लास तो जी इस तो जी अगली क्लास उस अगली जी जे मतलब थोड़े जो भी जंग के मैदान होगा उसका दृश्य जरा अगली क्लास के लैके हाजिर होवे। सो तद तक तुम अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, क्लास जरूर अटेंड करो। अज की साड़ी क्लास के इन्ना ही जी, मिलते हैं अगली क्लास के। धन्यवाद।